आगरा पुलिस इन दिनों आईपीएल पर सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले सिंडिकेट को ध्वस्त करने में लगी हुई है। आए दिन सट्टा माफियाओं पर कार्रवाई का चाबुक चल रहा है, लेकिन फिर भी तमाम नाम ऐसे हैं जिन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, क्योंकि जब इन पर पुलिस के बड़े अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो छोटे अधिकारी इन पर मेहरबान होकर मदद पहुंचाते हैं। पुलिस द्वारा की जा रही तमाम कार्रवाईयों में यही देखने को मिल रहा है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर परजिंदर सिंह के आदेश पर सट्टा माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने प्लान बना लिया है, लेकिन पुलिस के इस प्लान को किस तरह सफेदपोश फेल साबित करने में जुटे हुए हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। किस तरह सट्टा माफियाओं को पुलिस की कार्रवाई से बचाया जा रहा है वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। मोहब्बत की नगरी आगरा अब सट्टा माफियाओं के लिए अपना सिंडिकेट ऑपरेट करने का बेहतरीन स्पॉट बन रही है। इसी सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर परजिंदर सिंह के आदेश पर पुलिस द्वारा लगातार सट्टा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। थाना सिकंदरा, थाना न्यू आगरा, थाना ताजगंज, थाना कमला नगर समेत अन्य थानों में भी पुलिस द्वारा सट्टा माफियाओं की नाक में नकेल डालने का प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत एक के बाद एक सट्टा माफियाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वहीं कुछ सट्टा माफिया ऐसे भी हैं जिनके तेवर बड़े से बड़े आईपीएस अफसर अब तक ढीले नहीं कर पाए हैं, या ये कहें कि इनके संबंध ऐसे पुलिस कर्मियों से हैं जो आईपीएस अधिकारियों तक को इनकी मदद के लिए मना लेते हैं। यही वजह है कि तमाम कार्रवाइयों के बाद भी आगरा में सट्टा माफियाओं का सिंडिकेट उखड़ने के बजाय पनपता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर परजिंदर सिंह के आदेश के बाद तमाम क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले सट्टा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी सट्टा माफिया दिल्ली में बैठकर आगरा में सट्टे के काले कारोबार को बड़े ही इत्मीनान के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई भी सट्टा माफियाओं के कद के आगे बौनी साबित हो रही है। भारतीय कानून के अंतर्गत सट्टा खेलना एक अवैध कार्य है, जो भी इस कार्य में लिप्त रहेगा उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करेगी। पिछले दिनों श्याम बोहरा, अंकुश मंगल समेत तमाम बड़े सट्टा माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई की, इसके बाद भी पुलिस अंकुश मंगल और श्याम बोहरा का नेटवर्क ध्वस्त करने में नाकाम साबित हुई, क्योंकि एक आदमी पर कार्रवाई होने के बाद सिंडिकेट के और मेंबर उसे और उसके परिवार को मदद पहुंचाते हैं, साथ ही जेल में बंद अपने सिंडिकेट के मेंबर के पूरे नेटवर्क को भी चलाते हैं। यही वजह है कि पुलिस की तमाम कार्रवाई सट्टा माफियाओं के सामने फेल नजर आ रही है। पुलिस द्वारा हाल ही में थाना सिकंदरा, न्यू आगरा और कमला नगर में सट्टा माफियाओं को पकड़कर जेल भेजा गया है और उनके साथियों के नाम भी मुकदमे में खोले गए हैं। हैरत की बात यह है कि मुकदमे में नाम खोले जाने के बाद भी अभी तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सूत्रों की माने तो थाना सिकंदरा में दर्ज मुकदमे में आरोपी टोनी सिंधी समेत अन्य के नाम निकलवाने के लिए तमाम सफेदपोश थाने की परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। तमाम सफेदपोशों ने तो इन सट्टा माफियाओं को क्लीन चिट भी दे दी है और उनको यह भरोसा दिला दिया है कि पुलिस द्वारा उनका नाम FIR से जल्द निकाल दिया जाएगा। इस मदद के लिए भी सफेदपोशों ने पुलिस के नाम पर सट्टा माफियाओं से लाखों रुपए की रकम वसूली है। टोनी सिंधी उर्फ टोनी बिरगंजा पर भी पुलिस विभाग के कुछ पुलिसकर्मी मेहरबान हैं। यही वजह है कि उसका नाम FIR में दर्ज होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है और कुछ दिनों बाद FIR में से भी नाम निकाल दिया जाता है। थाना सिकंदरा में दर्ज हुई FIR में टोनी सिंधी समेत तमाम सट्टा माफियाओं को क्षमादान देने की बात निकल कर आई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गैर कानूनी काम करने वालों पर इस तरह की कार्रवाई का चाबुक चलता रहेगा। मेरा आपके माध्यम से सभी आगरा वासी अनुरोध है कि एक अवैध कार्य है, इसमें लिप्त न हो और इससे सभी का नुकसान होता है और कोई भी अगर ऐसा कार्य करते हुए पकड़ा जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि CP के आदेश पर पुलिस सट्टा माफियाओं के सिंडिकेट के मामूली कर्मचारियों पर कार्रवाई को अंजाम देती रहेगी या फिर इस सिंडिकेट को ऑपरेट करने वाले दिल्ली में बैठे सट्टा माफियाओं और उनके इशारों पर आगरा में सट्टे के कारोबार को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले टोनी सिंधी, मारुसी स्टेट, मैथी केदारनगर, यस असीजा जैसे कारिंदों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर ये लोग पुलिस की कार्रवाई से ऐसे ही बचते रहेंगे। तो आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह सट्टा माफियाओं की नाक में नकेल डालते हुए पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं और उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान को कुछ पुलिसकर्मी पलीता लगा रहे हैं, यही
कारण है कि लगातार एफआईआरों में नाम दर्ज होने के बाद भी इन सट्टा माफियाओं पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि जो एफआईआरों में नाम दर्ज हुए हैं उनको भी निकालने की तैयारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाती है। अपने साथी भानु के साथ सैयद शकील, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।